अब मुझे लगता है सिम्बू शेरू से तो दोस्ती हो ही गई है, लेकिन उनके जो डॉग्स का जो डर था वो ही निकल गया होगा अभी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर ब्लॉग। आज मैं सुबह सुबह किचन में इसलिए हूँ क्योंकि टको और मम्मी दोनों लोग चले गए हैं वॉक करने के लिए और टिफ़िन नहीं बना था, तो मैं जैसे ही उठी मैंने देखा तो मैं फटाफट टिफ़िन बनाने लगी हूँ। अब किसी को नहीं पता कि मैं आज टिफ़िन बनाने वाली हूँ, तो सबके लिए ये शॉकर रहेगा। तो उनके आने तक मैं फटाफट अपना काम कर लेती हूँ। मॉर्निंग सिम्बा, गुड मॉर्निंग शेरू। ये दोनों लोग ऐसे इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनके लिए आज हो गया है बहुत अलग, और यूजुअली जाते नहीं हैं इतने जल्दी, सुबह दोनों एक साथ नहीं जाते हैं, तो इसीलिए इनको लग रहा है कि आज क्या हो गया, सब हमको छोड़ के क्यों चले गए। और सब चले गए तो मेरा काम भी बढ़ गया यार, मेरे को बनाना पड़ रहा है टिफ़िन। तो गुड मॉर्निंग, वॉक करके आ गया? हम दोनों गए थे आज, सब मेरे पे काम छोड़ के ये दोनों माँ बेटा गए थे वॉक करने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डुबू, डुबू गुड मॉर्निंग। मेरी जो सासू मम्मी है उनको अपने डॉग से बहुत डर लगता है, किसी भी डॉग से, लेकिन उन्होंने इस बार बोला कि सिम्बू शेरू को कहीं पर मैं मत छोड़ना। वो जब आती है ना, यूजुअली एक दो बार जब ही आई है तो हमने उनको हॉस्टल पे छोड़ा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरती है, तो इस बार हमने डिसाइड किया कि हम उसको नहीं रखेंगे हॉस्टल वॉस्टल में, इस बार इनकी दोस्ती करा ही देते हैं। और मतलब पता नहीं कैसे क्या, मुझे नहीं पता, पर सिम्बू शेरू ने इस बार उनके साथ इतना अच्छे से बिहेव किया, मतलब अब मुझे लगता है सिम्बू शेरू से तो दोस्ती हो ही गई है, लेकिन उनके जो डॉग्स का जो डर था वो ही निकल गया होगा अभी तक। क्योंकि पता है इन लोग जैसे नॉर्मली किसी के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, उतरने का नाम नहीं लेते, परेशान कर लेते हैं, वैसा कुछ भी नहीं किया, मतलब सूंघ लिया उनको एक बार, चाट वाट लिया, सब हो गया, और मतलब विद इन 5 मिनट्स सेटल डाउन हो गए ये भी और वो भी। तो अब हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो गई है, अब हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा, जब भी वो आएंगी तो इन लोग को कहाँ करना है, क्या रखना है, सबका कोई टेंशन नहीं रहेगा, सो वी आर वेरी रिलैक्स फ्रॉम दिस एंगल नाउ। ये जो हाथ में मेरे इंजरी हो गई थी सिम्बू के खींचने से ना, वो आज थोड़ी सी बेटर है, मतलब आज तीसरा दिन है तो आज मुझे दर्द का पता नहीं लग रहा है, वरना कल तक तो मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मतलब इनके अंदर सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। नाचो नाचो नाचो, सब लोग कहाँ गुम्मी जा रहे हैं, खाना पीना खा के गुम्मी गुम्मी। बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि सुको और टको की कहानी क्या है, वो नाम कैसे आया, क्या हुआ, तो थोड़ा देखो भाई, नाम तो मतलब सिंपल सा है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं टकलिया हूँ इसलिए मेरे को ये टक्को टक्को बुलाती है, और ये बहुत सुकड़िया थी अभी उतनी नहीं है, बट बहुत सुकड़िया थी इसलिए मैं इसको बोलता था, सुको सुको बोलने लगा था, तो बस कहानी यही है नाम के पीछे। और जो वैसे कहानी है, मैं हूँ एमपी का, ये है महाराष्ट्रियन, तो वैसे देखा जाए तो ये आपने 2 States of Marriage देखी है ना, बस वही चीज़ है हमारी, मतलब बिल्कुल डिफरेंट थे हम और अभी भी हैं, मतलब डिफरेंट इन द सेंस कि ये बहुत ही ज़्यादा धूम धाक वाली और मैं बहुत शांति प्रिय आदमी हूँ, तो वैसा कहानी है हमारी। और डिटेल में अगर आपको जानना है कि मतलब शुरुआत कैसे हुई थी, वो कैसी हुई थी, तो फिर किसी राइटर को भेजिए आप लोग, तो हमारे हम भी फेमस हो जाएं। मूवी बन जाएगी, इतनी बड़ी कहानी है क्यों? बस इनके बाल कम है तो ये टको है, और मैं बहुत सुकड़ी थी, मैं सिर्फ 42 kgs की थी उस टाइम में, तो इसीलिए मैं सूको हूँ, पर अब मैं 42 की नहीं हूँ, मैं हो गई हूँ 50 किलो की। तो अब मैं सूको नहीं हूँ, बट मेरा नाम पड़ गया है सूको, पिछले 6-7 सालों से मेरा यही नाम है, और अब मुझे मतलब इनके तरफ में जो भी लोग हैं वो सिर्फ सूको के नाम से जानते हैं। कल से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर हम कुछ ना कुछ काम में रह जाते हैं, तो अभी ये है मेरी सासू माँ, बहुत दूर से आई है।
और ये तो आप जानते ही हैं मम्मी। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके, और सिंबू और शेरू के साथ भी बहुत अच्छा लगा। पहले दिन तो मैं बहुत डरी, धीरे धीरे हम दोस्ती हो गई तो दोनों मुझे बहुत प्यार करते और मैं भी उनको प्यार करने लगी। सिंबू शेरू बहुत प्यारे कुत्ते हैं एक तरह से, और वो बच्चों की तरह हम लोग उनको पाल रहे हैं। तो इन लोग पाल रहे थे, अभी मैं भी प्यार करने लगी उन लोगों से। बहुत अच्छे हैं वो लोग। देखिए, मैं स्वास्थ्य विभाग में सर्विस करती हूँ, मैं नर्स हूँ, और ये मेरी बहू रानी है शिवानी चतुर्वेदी, मैं भगवती चतुर्वेदी, ये मेरी बहू रानी है। और हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते, तो मिलने आए थे। तो अभी हम ये तो हम इंस्टाग्राम और ये सब के बारे में नहीं जानते हैं, पर ये लोग हमको जबरदस्ती घसीट रहे हैं, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे, बहू भी बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है, और हमारी पोती भी है एक, जियो को तो जानते हैं, जियो को आप लोग जानते होंगे। हाँ। वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है। और इनके हेल्थ के भी कुछ इश्यूज थे, तो वो भी चेकअप वगैरह भी हो जाएगा, हमसे मिलना भी हो जाएगा, थोड़ा सा रह लेंगे। हम लोग साथ में रहे ही नहीं है शादी के बाद, क्यों अम्मी जी? हाँ, बिल्कुल, हम रहे ही नहीं पाते। हाँ। हमेशा दोनों के जॉब के वजह से हमको टाइम ही नहीं मिल पाता है, लेकिन ये पहली बार है थोड़ा सा सुकून से 5-6 दिन मिल रहा है। फिर अब ये संडे को अब इनकी टिकट है, ये संडे को फिर चली जाएंगी, फिर से हम वही हो जाएंगे 3-4 लोग जो आपको देखने पड़ेंगे डेली। अभी एक पर ये है ना कि आप लोग इतना सब कोऑपरेट करते हैं, इतना सब इन लोगों को प्यार देते हैं, आप लोग जीव को बहुत प्यार करते हैं, बस बहुत पूछते हैं, सब बहुत पूछते हैं वो, आप लोग इन लोगों का बहुत ध्यान रखते हो, इन लोगों को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। और पहली बार कैमरा में बोल रही है, इतना कॉन्फिडेंटली बोलती है, मेरी मम्मी नहीं बोल पाती है, देखिए कितने कॉन्फिडेंट है। तो बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह प्यार देते रहें, फॉलो करते रहें, बच्चों को और जीव को अपना आशीर्वाद दें, इन लोगों को अपना आशीर्वाद दें, बस मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है। सबको जय माई की माता, जय माता, माता के दिन चल रहे हैं नवरात्रि, इसलिए जय माता दी। शारदा माँ के धाम से आए हैं। और हम माँ के धाम से आए हैं, मैहर से मीन्स माँ का धाम। तो आप सबको जय माई की, जय, ठीक है। अभी सब लोग जा रहे हैं बाहर यहाँ पे दुकान में आइसक्रीम खाने के लिए। शेरों को भी सुला दे रहे हैं, जीव को भी मैं सुला देती हूँ। और अभी आज पापा हमारे बाहर सोएंगे, क्योंकि मम्मी और मैं अंदर सोएंगे, इसीलिए यहाँ पर आज का ब्लॉग को करते हैं एंड। कल मिलते हैं आपसे एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।